अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी प्रॉन्स पोटैटो करी की रेसिपी यानी करदी और आलू की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद ऐड करेंगे 1 छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, और मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली है जिसका वाइट हिस्सा काट लिया है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है वो, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेबी प्रॉन्स यानी करदी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है करदी को, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। करदी से पानी रिलीज होने लगेगा, तो हमें पूरा पानी ड्राई करना है, तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे 1 आलू कटा हुआ, और अच्छी तरह से तेल रिलीज होने तक हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए तेल रिलीज होने तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च, 1/2 कप हरा धनिया और 7 से 8 कली ली थी लहसुन की, जिसका पेस्ट बना लिया है। साथ में ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, वो भी ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ और थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैं मसाले का ही बचा हुआ पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल रिलीज नहीं होता। और ये देखिए अच्छी तरह से तेल रिलीज होने तक हमने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी प्याज कटी हुई और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करदी के साथ हरी प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो अब हम इसे 1/2 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। 1/2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये 7 से 8 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दिया था, और आलू भी अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। और ये हमारी करदी आलू की करी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, या फिर फुलके के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।